याद रखें, ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वजीर आजम का इंतबाह, कहा सेक्रेटेरिएट वोटिंग पर हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पहले वीडियो होती तो अपने खिलाफ केसेस पर अदालत में पेश करता। वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल मौलाना फजल रहमान ने बनाया। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। माजी में मुझे भी ऑफर हुई, मैं मुस्लिम लीग नून के ओपन बैलेट के मुतालबे की तायद कर चुका हूँ। अपोजिशन हर किस्म की करप्शन का तहफ़ चाहती है। करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। इमरान खान करप्शन ख़त्म करके रहेंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा अगर मदीने की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। के पी में लोगों को पैसे देकर खरीदा गया, फिर 2.5 साल वजीर कानून बनाए रखा। वजीर आजम ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की। वजीर आजम अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? वजीर आजम या अपनी बात पर कायम रहें या दें कह दें कि उनसे गलती हुई है। तरक्याती फंड्स केस में जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा लगता है वजीर आजम ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वजीर आजम का दस्तखत शुदा जवाब तलब, सिंध हुकूमत को भी तरक्याती फंड्स पर जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत कुछ देर बाद होगी। हुकूमत की जानिब से वीडियो स्कैंडल बतौर सबूत पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। बिजली मजीद महंगी। नेप्रो ने दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 1.53 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक से फरवरी के बिलों पर होगा, इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर नहीं होगा। बोल न्यूज के खिलाफ पैमरा की मुतासिबाना कार्रवाइयां, चैनल की बंदिश और सहाफी बरादरी का रोजगार छीनने की साजिश। सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज, चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। PFUJ और RIUJ समेत दीगर सहाफती तंजीमें शरीक, कहा बोल न्यूज ने पाकिस्तानी सालमियत का दिफा किया, भारतीय बयानी का मुकाबला किया, पाबंदियां समझ से बालातर हैं। चेयरमैन पैमरा ने जाती अना में मातहत अफसरान को भी गैर कानूनी तौर पर बोल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बोल नशरियात को बंद करने और आखिरी नंबर पर डालने के लिए पैमरा अफसरान, पैमरा सलीम बे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। नाजरीन बोल की नशरियात लाइव स्ट्रीमिंग पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं। और बोल एंटरटेनमेंट के म्यूजिक शो बोल बीट्स की धूम, पहला नातिया कलाम शाह मदीना बेहद मकबूल।